हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल बॉटनी बाय डॉक्टर जसविंदर कौर। 2 दिन पहले मैंने आप लोगों से पोलिंग के थ्रू एक क्वेश्चन पूछा था कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। आप सभी ने बहुत अच्छे से वोटिंग की, सभी ने पार्टिसिपेट किया उसमें। 50% अप्रॉक्स लोगों ने कहा कि उनको जेनेटिक्स की वीडियो चाहिए, तो इसलिए आज मैं 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जेनेटिक्स के MCQ का पार्ट 4 आपके साथ डिस्कस करूंगी, जैसा आप चाहते थे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट। जीन्स दैट एग्जिबिट क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस आर, ऐसे जीन्स जो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस एग्जिबिट करते हैं या शो करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। ऑप्शंस आर डोमिनेंट जीन, को डोमिनेंट जीन, सेक्स लिंक जीन या सेक्स लिमिटेड जीन्स। तो इसका सही आंसर है सेक्स लिंक जीन्स। जीन्स दैट एग्जिबिट क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस आर सेक्स लिंक्ड जीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी आर लोकेटेड इन द, फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी के लिए वो कहाँ लोकेटेड हैं, वो हमें बताना है। ऑप्शंस आर क्लोरोप्लास्ट डीएनए, राइबोसोमल आरएनए, न्यूक्लियर डीएनए या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। तो इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी आर लोकेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। विद रेफरेंस टू द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल एंड रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप्स इन द टेस्ट क्रॉस प्रोजनी इन्वॉल्विंग टू रिसेसिव जीन्स स्मॉल आर राउंड एंड स्मॉल वाई येलो कंट्रोलिंग सीड शेप एंड सीड कलर रिस्पेक्टिवली, द ऑब्जर्व परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन इज 10। देन द मैप डिस्टेंस बिटवीन स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई इज, अब यहाँ इस क्वेश्चन में हमें राउंड और येलो कलर के जो सीड हैं उसकी रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज दी है जो कि 10 है, और इसमें हमें निकालना है मैप डिस्टेंस बिटवीन आर एंड वाई। तो जो भी रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज की वैल्यू होती है उतना ही मैप यूनिट्स की भी वैल्यू होती है। अगर रिकॉम्बिनेशन की वैल्यू 10 है तो यहाँ पे मैप यूनिट्स जो है 10 मैप यूनिट्स, ये सही आंसर होगा इसका। दिस इज़ अ करेक्ट आंसर। न्यूरोस्पोरा इज अ वेरी गुड टैक्सॉन फॉर, न्यूरोस्पोरा बहुत अच्छा टैक्सॉन है, किस वजह से वो हमें बताना है इसमें। बायोफर्टिलाइजर, बायोलॉजिकल कंट्रोल, जेनेटिक स्टडीज़ या एंटीबायोटिक्स। तो इसका सही आंसर है जेनेटिक स्टडीज़। न्यूरोस्पोरा को बहुत अच्छा टैक्सॉन माना जाता है क्योंकि वो जेनेटिक स्टडीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेशन ऑफ ए रिसेसिव फिनोटाइप इन ए डिलीशन हिट्रोजाइगोट इज ड्यू टू, जो एक्सप्रेशन होता है रिसेसिव फिनोटाइप का डिलीशन हिट्रोजाइगोट में वो किस वजह से होता है, वो हमें बताना है। ऑप्शंस आर स्यूडो डोमिनेंस, पार्शियल डोमिनेंस, सुपर डोमिनेंस या को डोमिनेंस। इसका सही आंसर है स्यूडो डोमिनेंस। द एक्सप्रेशन ऑफ ए रिसेसिव फिनोटाइप इन ए डिलीशन हिट्रोजाइगोट इज ड्यू टू स्यूडो डोमिनेंस। इस क्वेश्चन में हमें लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दी गई है, उन्हें हमें मैच करना है। लिस्ट फर्स्ट में हमें फिनोटिपिक सेग्रीगेशन रेशियो दिया गया है और लिस्ट सेकंड में टाइप ऑफ जीन एक्शन दिया गया है, तो वो हमें मैच करना है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट है 9:6:1, ये जो फिनोटिपिक रेशियो है ये हमें देखने को मिलती है इन पॉलीमेरिक जीन एक्शन में। देन 12:3:1, ये हमें देखने को मिलती है मास्किंग जीन एक्शन में। नेक्स्ट इज 9:3:4, ये हमें देखने को मिलती है सप्लीमेंट्री जीन एक्शन में। देन 13:3, ये हमें देखने को मिलती है इनहिबिटरी जीन एक्शन में। सो इसका सही कोड है यहाँ पे सी कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीन्स ऑफ 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स स्टडीड बाय मेंडल आर सच दैट, जो 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर मेंडल ने स्टडी किए थे जीन्स के वो किस तरह के थे, वो हमें बताना है। ऑप्शंस जो दिए गए हैं, दे आर सिचुएटेड ऑन 7 डिफरेंट क्रोमोजोम्स, दे आर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोजोम, सम ऑफ देम आर क्लोरोप्लास्ट डीएनए एंड लास्ट डी ऑप्शन इज सम ऑफ देम आर ऑन द सेम क्रोमोजोम बट आर नॉट लिंक्ड। तो इसका सही आंसर है यही डी ऑप्शन, सम ऑफ देम आर ऑन द सेम क्रोमोजोम बट आर नॉट लिंक्ड। नेक्स्ट है
द मॉडिफाइड एफ टू रेशियो 15:1, 9:7, 13:3 एंड 9:3:4 इंडिकेट्स, ये चारों रेशियोज जो हैं एफ टू में जो मॉडिफिकेशन रेशियोज हैं ये क्या शो करती हैं, इसके बारे में हमें बताना है। इसका सही आंसर है टू पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स कंट्रोल्ड बाय टू पेयर्स ऑफ जीन्स, ये इसका सही आंसर है। दो पेयर्स ऑफ कैरेक्टर जो हैं दो पेयर्स ऑफ जीन्स से कंट्रोल में होते हैं, तब हमें ये रेशियोज देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। अब लिस्ट फर्स्ट में क्रोमोसोमल एब्रेशंस दी गई हैं और लिस्ट सेकंड में उसकी कॉन्सिक्वेंसेज दी गई हैं, तो इसे हमें मैच करना है। इंटर कैलरी डेफिशिएंसी, इंटर कैलरी डेफिशिएंसी में हमें टू ब्रेक्स फॉलोड बाय रीयूनियन एंड डिलीशन ये देखने को मिलता है। देन डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन में हमें देखने को मिलता है चेंज इन जीन ऑर्डर, जीन का ऑर्डर चेंज हो जाता है यहाँ पे। देन पैरासेंट्रिक इन्वर्जन, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन में ब्रिज और फ्रेगमेंट की फॉर्मेशन होती है। देन ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन में क्रोमोसोम रिंग फॉर्मेशन होती है एट द मेटाफेज, तो इसका मतलब है कि कोड ए जो है ये करेक्ट है, इसका सही आंसर है कोड ए। व्हेन द डोमिनेंट एलील्स और वाइल्ड टाइप से कैपिटल ए बी आर प्रेजेंट ऑन वन क्रोमोसोम एंड इट्स ऑल्टरनेटिव रिसेसिव एलील्स स्मॉल ए बी आर लोकेटेड ऑन द अदर होमोलोगस क्रोमोसोम कैपिटल ए बी ऑब्लिक स्मॉल ए बी देन द लिंकेज इज सेड टू बी इन। जब डोमिनेंट एलील कैपिटल ए बी एक क्रोमोसोम पर लोकेट है और दूसरा रिसेसिव एलील स्मॉल ए बी जो है दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम पे लोकेट है, तब हमें लिंकेज जो है किस टाइप की देखने को मिलती है वो हमें इसमें बताना है। ऑप्शंस आर रिपल्शन फेज, कपलिंग फेज, न्यूट्रल फेज या डोमिनेंट फेज, तो इसका सही आंसर है कपलिंग फेज, जो लिंकेज है इसमें वो हमें देखने को मिलती है इन कपलिंग फेज। सेक्स डिटर्मिनेशन बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स इज कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन, सेक्स डिटर्मिनेशन जो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से कॉमनली किस में पाई जाती है वो हमें इसमें बताना है। ऑप्शन आर ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, मेलेंड्रियम एल्बम, मिराबिलस जलापा या बोनीलिया वायरिडिस, इसका सही आंसर है बोनीलिया वायरिडिस, इसमें हमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलती है। द एब्सेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम इन ह्यूमन बींग्स कॉजेज, अगर वाई क्रोमोसोम्स एब्सेंट हैं ह्यूमन बींग से तो उससे क्या कॉज हो सकता है, कौन सा डिजीज, वो हमें बताना है। ऑप्शन आर टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम या नन ऑफ द अबव, इसका सही आंसर है नन ऑफ द अबव, इन तीनों में से कोई भी डिजीज कॉज नहीं होगा वाई क्रोमोसोम के एब्सेंस से। मेंडल प्रपोज हिज लॉ ऑन द बेसिस ऑफ हिज रिसर्चेस ऑन 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन गार्डन पी विच हैज 14 क्रोमोसोम पर सोमेटिक सेल। इफ इंस्टेड ऑफ गार्डन पी मेंडल हैज चूजन टू वर्क ऑन 7 कैरेक्टर्स इन ए प्लांट स्पीशीज हैविंग ओनली 4 क्रोमोसोम्स पर सोमेटिक सेल देन द मोस्ट लाइकली आउटकम वुड हैव बीन दैट। जो मेंडल ने अपना लॉज प्रपोज किए थे अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंगली 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो थे गार्डन पी के वो 14 क्रोमोसोम्स पर सोमेटिक सेल पे प्रेजेंट थे। अगर इसकी जगह उन्होंने गार्डन पी की जगह उन्होंने कोई ऐसी प्लांट स्पीशीज ली होती जिसमें 7 कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते और वो 4 क्रोमोसोम्स पर सोमेटिक सेल में प्रेजेंट होते तो तब जो रिजल्ट है वो क्या हो सकता था, ये आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो ऑप्शंस जो दिए गए हैं ही वुड हैव डिस्कवर्ड ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, ही कुड नॉट हैव प्रपोज द जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स, ही माइट नॉट हैव डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ही माइट नॉट हैव डिलीवर्ड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो इसका सही आंसर है ही माइट नॉट हैव डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो अगर उन्होंने मेंडल ने गार्डन पी प्लांट ना लेके कोई और अगर प्लांट लिया होता जिसमें 4 क्रोमोसोम पर सोमेटिक सेल होते तो वो ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है डिस्कवर नहीं कर पाते। ए हाइब्रिड टॉल प्लांट बेयरिंग येलो फ्लावर्स कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई वॉज क्रॉस्ड विद ए ड्वार्फ प्लांट बेयरिंग वाइट फ्लावर्स स्मॉल टी एंड स्मॉल वाई स्मॉल वाई, व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोजेनी इज एक्सपेक्टेड टू बी होमोलोगस टॉल बेयरिंग
येलो फ्लावर्स। अब इसमें होमोलोगस टॉल बेयरिंग येलो प्लांट जो है वो तो मिल ही नहीं सकते, क्योंकि जब इन दोनों को क्रॉस किया जाएगा तो कैपिटल टी तो एक ही के पास है, इनके पास है नहीं कैपिटल टी, क्योंकि ये ड्वार्फ प्लांट्स हैं, टॉल प्लांट्स हैं नहीं। तो जो ये परसेंटेज ऑफ प्रोजनी एक्सपेक्टेड जो होमोलोगस टॉल बेयरिंग येलो फ्लावर्स हैं ये हो जाएगी 0%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को इसमें हमें मैच करना है। फिनोटाइप्स एनालिसिस जो है इसमें हमें देखने को मिलता है विजिबल एक्सप्रेशन ऑफ द जीनोटाइप। देन स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, मियोटिक प्रोसेस है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो मेंडल ने दिया था ये क्या है, रिसेसिव टाइप अपियरिंग इन एफ टू जनरेशन, ये हमें देखने को मिलेगी इसमें। देन क्रोमोजोम मैपिंग, क्रोमोजोम मैपिंग हम करते हैं फॉर इंडेक्सिंग जीन लोकाई। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी है। आइसोक्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय, आइसोक्रोमोसोम्स जो है किस वजह से बनते हैं वो हमें बताना है इसमें। पेयरिंग ऑफ आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स, पेयरिंग ऑफ अनआइडेंटिकल क्रोमोसोम्स, ट्रांसवर्स डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम या डिसजंक्शन ऑफ बायवेलेंट्स। इसका सही आंसर है क्रोमोसोम्स की जब ट्रांसफर डिवीजन होती है तब आइसोक्रोमोसोम्स जो है फॉर्म्ड होते हैं। जीन डोजेज डिपेंड्स अपॉन द, जीन डोजेज जो है वो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ ए पर्टिकुलर जीन, प्लॉयडी लेवल ऑफ द स्पीशीज, फ्रिक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड म्यूटेशंस या नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशंस। तो इसका सही आंसर है जीन डोज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ ए पर्टिकुलर जीन। टू जीन्स ए एंड बी प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोजोम शो 12% रिकॉम्बिनेशन, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज। ये एक क्वेश्चन पहले भी हम लोग कर चुके हैं, इसमें भी मैं आपको बता दूं कि जब रिकॉम्बिनेशन की परसेंटेज जो भी दी होती है जो डिस्टेंस है उतने ही मैप यूनिट्स होता है। अगर 12% रिकॉम्बिनेशन की दी गई है तो डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स विल बी 12 मैप यूनिट्स। इफ टू लोकाए आर 10 मैप यूनिट्स अपार्ट अज्यूमिंग दैट नो मल्टीपल क्रॉस ओवर हैज टेकन प्लेस, वॉट प्रोपोर्शन ऑफ द सेल्स अंडरगो मियोसिस विल कॉन्टिन्यू ए सिंगल क्रॉस ओवर इन द रीजन बिटवीन दीज टू लोकाई। यहाँ पे मैप यूनिट्स दी गई हैं और क्रॉसिंग ओवर की परसेंटेज पूछी जा रही है, तो वो जैसे 10 मैप यूनिट्स दिया गया है तो क्रॉसिंग ओवर की जो परसेंटेज है वो भी 10% हो जाएगी। इन स्यूडो एलीलिज्म जीन्स, स्यूडो एलीलिज्म में जीन्स किस टाइप के होते हैं वो हमें बताना है। आर फंक्शनली अलीलिक एंड स्ट्रक्चरली नॉन अलीलिक, आर स्ट्रक्चरली एज वेल एज फंक्शनली अलीलिक, आर स्ट्रक्चरली अलीलिक एंड फंक्शनली नॉन अलीलिक, आर स्ट्रक्चरली एज वेल एज फंक्शनली नॉन अलीलिक। इसका सही आंसर है ए, इन स्यूडो अलीलिज्म जीन्स आर फंक्शनली अलीलिक एंड स्ट्रक्चरली नॉन अलीलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लिंकेज ऑफ जीन्स, स्टेटमेंट्स को देखते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट लिंकेज ऑफ जीन के हिसाब से सही है। टू जीन्स आर सेट टू बी लिंक्ड व्हेन दे आर फेल टू शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये स्टेटमेंट सही है। दो जीन्स लिंक तभी माने जाते हैं जब वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो शो नहीं कर रहे हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज इज डिटरमाइंड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स इन क्वेश्चन, ये भी स्टेटमेंट सही है कि जो स्ट्रेंथ है लिंकेज की वो डिटरमाइन होती है कि दो जीन्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये भी करेक्ट है। द स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो हमारे करेक्ट स्टेटमेंट है बी स्टेटमेंट, 1 and 2 आर करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस द रिसेसिव एपिस्टेसिस, इसमें अब नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स हमें यह बताना है कौन सी इसमें से स्टेटमेंट जो करेक्टली डिफाइन करती है रिसेसिव एपिस्टेसिस को। ए सिचुएशन इन विच वन अलील डज नॉट अलाउ इट्स ऑल्टरनेटिव फॉर्म टू एक्सप्रेस, ये स्टेटमेंट गलत है। अ सिचुएशन इन विच जीन पेयर इन होमोलोगस रिसेसिव कंडीशन मास्क द इफेक्ट ऑफ वन और बोथ द मेम्बर्स ऑफ अदर जीन पेयर, ये करेक्ट है रिसेसिव एपिस्टेसिस के लिए कि ऐसी सिचुएशन
जिसमें जो जीन का पेयर है होमोलोगस रिसेसिव कंडीशन में मास्क कर लेता है, कवर कर लेता है इफेक्ट को दो दूसरे जीन के मेंबर्स को। ये सही है, यानी इस बाकी दो स्टेटमेंट पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, यही स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन, क्रॉसिंग ओवर किनके बीच में होती है वो मैं बताना है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, एनी टू क्रोमोसोम्स। इसका सही आंसर है क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। When Mendelian principles are operative during the distribution of alleles into gametes, such a phenomena is referred to as. जब Mendelian principle operative होता है distribution के time में, जबकि alleles जो हैं change हो रहे हैं into gametes, इस phenomena को हम क्या बोलते हैं? Potential function of an allele, codominance, gene interaction या continuous variation। इसका सही आंसर है potential function of allele। इस phenomena को हम बोलते हैं potential function of an allele। Mendel has no idea about, Mendel को बिल्कुल भी idea नहीं था किसके बारे में वो हमें बताना है। Independent assortment, segregation of alleles, dominance and recessiveness of alleles या linkage। इसका सही आंसर है linkage। Mendel को linkage के बारे में कोई भी idea नहीं था। Which one of the following statements is correct? Crossing over within the inversion loop of, crossing over के relation में इसमें से कौन सी statement है जो correct है वो हमें बताना है। इसका सही option है D, heterozygote paracentric inversion produces dicentric bridge and acentric fragments। ये इसका सही answer है। Crossing over within the inversion loop of heterozygote paracentric inversion produces dicentric bridge and acentric fragments। ये सही आंसर है। Isochromosomes are the chromosomes with, isochromosomes किस टाइप के क्रोमोसोम्स है वो हमें बताना है, उनमें क्या पाया जाता है। They are with identical size, identical arms, identical gene content या identical shapes। तो इसका सही आंसर है identical arms। Isochromosomes are the chromosomes with identical arms। Which one of the following discoveries provide the strongest evidence for the chromosome theory of heredity? इनमें दी गई ऐसी कौन सी डिस्कवरी है जो strongest evidence है chromosome theory of heredity का? Options are discovery of sex chromosomes, discovery of polyploidy, discovery of giant chromosomes, discovery of supernumerary chromosomes। इसका सही आंसर है discovery of sex chromosomes। ये जो है provide करती है strongest evidence for the chromosome theory of heredity। A yellow and round seeded pea plant is crossed with green and wrinkled seeded pea plant and the F1 of this cross is back cross to the homozygous recessive parent। The progeny will appear in the ratio of, ऐसे ही जब ये yellow and round plants जो है ये cross किए जाते हैं green और wrinkled plant से, और उसके बाद जब F1 progeny को back cross किया जाता है homozygous recessive plant के साथ, we always get 1:1:1:1 ratio। Match list 1 जिसमें phenomena दिया गया है with list 2 effect and states and select the correct answer using the codes given below the list। List 1 में phenomena दिए गए हैं और लिस्ट सेकंड में इफेक्ट्स हैं, उनकी स्टेट दी गई है कि कैसा होगा इफेक्ट उसका, इसको हमें मैच करना है। जैसे क्रॉसिंग ओवर है, क्रॉसिंग ओवर कब होगी, जब रिकॉम्बिनेशन होगी। कपलिंग, कपलिंग में सिस कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलती है। कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस कब देखने को मिलता है, जब डबल क्रॉस ओवर होता है। रिपल्शन, रिपल्शन में ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलती है। सो ऑप्शन ए जो है ये इसका करेक्ट है। Which one of the following phenomena leads to the aneuploidy? इस नीचे दिए गए phenomena में से कौन सा phenomena है जो कि aneuploidy बनने में help कर? Improper division of centromere, desynapsis, asynapsis या non-disjunction? इसका सही आंसर है non-disjunction। Non-disjunction phenomena leads to the aneuploidy। मल्टीपल अलील्स आर प्रेजेंट एट, मल्टीपल अलील्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं वो हमें बताना है।
different loci on the same chromosome, same locus on different chromosomes, different loci on different chromosomes या same locus on homologous chromosomes. इसका सही आंसर है same locus on homologous chromosomes. Multiple alleles are present at the same locus on homologous chromosomes. Hollandrick genes are located. Hollandrick genes कहाँ located होते हैं वो हमें बताना है. Both in X and Y chromosome, only in Y chromosome, only in X chromosome, only in autosomes. तो इसका सही आंसर है only in Y chromosome. Hollandrick genes are located only in Y chromosome. The phenomena of coupling and repulsion was explained by. Phenomena जो coupling और repulsion का है ये किसने explain किया था वो हमें बताना है. Bateson and Punnett, Bedell and Tatum, Bridges या Morgan ने. इसका सही आंसर है Bateson and Punnett. कपलिंग और रिपल्शन का फेनोमिना जो है बेटसन एंड प्योनेट ने एक्सप्लेन किया था. इन न्यूरोस्पोरा व्हेन वन सिंगल क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन टू लोकाई कैपिटल ए स्मॉल ए एंड कैपिटल बी स्मॉल बी इन द टेट्रेड स्टेज आफ्टर क्रोमोजोम रेप्लिकेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट इन एस्कोस्पोर्स वुड बी. न्यूरोस्पोरा में जब सिंगल क्रॉस ओवर होता है टू लोकाई पर इन टेट्रेड स्टेज आफ्टर क्रोमोजोम रेप्लिकेशन उस समय रिकॉम्बिनेंट की जो फ्रिक्वेंसी है इसको स्पोर्स पे वो ऑलवेज होती है 50%. अनरिलेटेड अलील्स एग्जिबिटिंग देयर सिमिलर जीन प्रोडक्ट्स फुली आर ड्यू टू. जो अनरिलेटेड अलील्स हैं लेकिन सिमिलर जीन प्रोडक्ट्स शो कर रहे हैं एकदम से वो किस वजह से वो हमें बताना है किस फिनोमिना की वजह से. ऑप्शंस आर स्यूडो डोमिनेंस, को डोमिनेंस, सुपर डोमिनेंस या डोमिनेंस. इसका सही आंसर है स्यूडो डोमिनेंस. अनरिलेटेड एलील्स जो है सिमिलर प्रोडक्ट्स शो कर रहे हैं जीन का तो वो है स्यूडो डोमिनेंस की वजह से. सैटेलाइट डीएनए कंसिस्ट ऑफ. सैटेलाइट डीएनए किस चीज़ से बना है वो हमें बताना है किससे कंसिस्ट होता है. एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, शॉर्ट रिपीटेटिव न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, राइबोसोमल आरएनए जीन्स या सिंगल जीन रीजन से. इसका सही आंसर है शॉर्ट रिपीटेटिव न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस से सैटेलाइट डीएनए बनता है. थ्री पॉइंट टेस्ट क्रॉस इज यूज फॉर. थ्री पॉइंट टेस्ट क्रॉस किस लिए यूज किया जाता है. जीन ट्रांसफर, जीन रेगुलेशन, जीन कन्वर्जन या जीन मैपिंग के लिए. इसका सही आंसर है जीन मैपिंग. थ्री पॉइंट टेस्ट क्रॉस इज यूज फॉर जीन मैपिंग. द रेशियो ऑफ द ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी ऑफ डबल क्रॉस ओवर्स टू द एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी ऑफ डबल क्रॉस ओवर इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग. जो रेशियो होती है डबल क्रॉस ओवर की ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी में उसे हमें बताना है कि क्या बोलते हैं. कॉफिशेंट ऑफ सिलेक्शन, कॉफिशेंट ऑफ कोइंसिडेंस, कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन या कॉफिशेंट ऑफ इनब्रीडिंग. डबल क्रॉसओवर्स में जो रेशियो होती है ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी की और एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी की उसे हम कॉफिशेंट ऑफ कोइंसिडेंस कहते हैं. सी बैंड्स अकर इन क्रोमोसोमल रीजन्स हैविंग. सी बैंड्स जो है क्रोमोसोमल रीजन्स में कहाँ अकर होते हैं वो हमें बताना है. स्यूडो अलील्स, हिट्रोक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन या पॉलीजीन्स में. उसका सही आंसर है हिट्रोक्रोमैटिन. सी बैंड्स अकर इन द क्रोमोसोमल रीजन हैविंग हिट्रोक्रोमैटिन. ए पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन इन क्रोमोसोम इन्वॉल्व्स. पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन जो क्रोमोसोम्स में होती है वो इसमें क्या इन्वॉल्व होता है वो हमें बताना है. वन आर्म ऑफ ए क्रोमोसोम, बोथ द आर्म्स ऑफ ए क्रोमोसोम, टू डिफरेंट क्रोमोसोम्स या मोर देन टू क्रोमोसोम्स. इसका सही आंसर है बोथ द आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर इन्वॉल्व इन द पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन ऑफ क्रोमोसोम. इफ थ्री जीन्स आर प्लेस्ड ऑन द क्रोमोसोम इन द ऑर्डर ए बी एंड सी एंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड बी सी इज 10 एंड 20 सेंटीमॉर्गन रिस्पेक्टिवली व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ डबल क्रॉस ओवर बिटवीन देम. जब हमें परसेंटेज निकालनी है डबल क्रॉसओवर की तो हम इस 10 को और 20 को दोनों को प्लस कर देंगे डिस्टेंस हो जाएगा 30 तो इसका डबल क्रॉसओवर का जो परसेंटेज है वो हो जाएगा 30%. इफ रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज इज 10 द डिस्टेंस बिटवीन कंसर्न जीन ऑन क्रोमोसोम इन मैप यूनिट विल बी. अब रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज जब 10 दी गई है तो मैप यूनिट ऑफ कंसर्न जीन विल बी ऑलवेज 10. Which among the following is most harmful for future generation? Future generation के लिए इनमें से कौन सी चीज़ harmful है.
डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन या ट्रांसलोकेशन। इसका सही आंसर है डिलीशन। डिलीशन इज मोस्ट हार्मफुल फॉर फ्यूचर जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से ऐसा कौन सा है जो करेक्टली मैच नहीं है वो हमें बताना है। हरगोबिंद खुराना मॉडल ऑफ सिंथेटिक जीन, ये इन्होंने दिया था। वेटसन एंड क्रिक डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए, ये भी इन्होंने दिया था। रॉबर्ट कॉच इन्होंने ब्लड ग्रुप, ये इन्होंने नहीं बताया था, ये रॉन्ग है। जॉर्ज मेंडल लॉ ऑफ हेरिडिटी, ये भी करेक्ट है। तो हमारा जो रॉन्ग ऑप्शन है जो करेक्टली मैच नहीं है वो है रॉबर्ट कॉच एंड ब्लड ग्रुप। दैट्स ऑल फॉर टुडे। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।